नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के न्यूज़ इन फ्लैश में। तो चलिए देखते हैं आज का समाचार। पहला जो समाचार है ये उत्तराखंड के संबंध में। उत्तराखंड के 11वें चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी जो है ये कुमाऊं रीजन से बिलोंग करते हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले जो दो चीफ मिनिस्टर थे वो यहाँ पर घरवाल रीजन से आते थे। दो टाइम के विधायक है, टू टाइम एमएलए है, खतीमा कॉन्स्टिट्यूएंसी खतीमा विधानसभा क्षेत्र से पुष्कर सिंह धामी आते हैं। 45 वर्ष की आयु में ये सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बन गए हैं उत्तराखंड राज्य के। दूसरी खबर है हमारे देश की कोवैक्सीन की। कोवैक्सीन का थर्ड फेज का जो डेटा है वो यहाँ पर आ गया है, क्लिनिकल ट्रायल का डेटा आ गया है। इसमें बताया गया है कि 93% एफिकेसी ये है कोविड-19 डिजीज में शो करता है, और डेटा वेरिएंट के अगेंस्ट ये 65% एफिकेसी शो करता है। तो यहाँ पर जो ट्रायल है ये 50 अलग अलग जगहों पर देश में हुए थे, और यहाँ पर 25,800 वॉलेंटियर्स पे ये ट्रायल किए गए। 18 से 98 की उम्र के बीच के लोगों के बीच में ये ट्रायल्स किए गए। कोवैक्सीन आपको बता दूं कि ये भारत बायोटेक के द्वारा डेवलप की गई है, जिसमें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की सहभागिता भी थी। अगली खबर है कि क्रोकोडाइल जो है, जो मगरमच्छ है, इनका मूवमेंट किया गया गुजरात के लेक में। तो यहाँ पर 194 क्रोकोडाइल्स जो थे ये यूनिट ऑफ स्टैचू जो कि नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है गुजरात में, वहाँ पर ये क्रोकोडाइल्स हुआ करते थे। तो यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ जो क्रोकोडाइल्स हैं इनको शिफ्ट किया गया है गांधीनगर और गोधरा में। इनके शिफ्ट करने के पीछे कारण ये था कि जो टूरिस्ट विजिट करते आते हैं यूनिटी ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो यहाँ पर इससे खतरा हो सकता था टूरिस्ट को, और उसके साथ में जो क्रोकोडाइल्स है इनके भी एक इकोसिस्टम पर प्रभाव पड़ता, टूरिस्ट वहाँ पे आते, इसके देखते हुए यहाँ पर इन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। पंचमुली लेक से इन्हें यहाँ से शिफ्ट किया गया है, जिसे डाइक 3 भी कहा जाता है सरदार सरोवर डैम का। तो चलिए अगली खबर देखते हैं, ये है डीएमआरसी के बारे में। डीएमआरसी ने पटना मेट्रो में सॉफ्टवेयर मॉनिटर सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल किया है। क्यों मदद मिलेगी इससे? सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये डिजिटल भारत की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर IPMS यहाँ पर लगाया गया है, जो कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिग्नलिंग, टेलीकम्युनिकेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, पैकेजिंग वाइज अलग अलग प्रोजेक्ट जो है और जो कार्य है इसको ये मॉनिटर आराम से कर पाएगा। अब इससे मदद ये मिलेगी कि जो सिस्टम में पारदर्शिता है वो अपने आप में बढ़ जाएगी। आप इसे मॉनिटर करने के लिए IMPS पोर्टल से देखा जाएगा, और ये मोबाइल या लैपटॉप कहीं पर भी आप हो वहाँ से आप इसे देख पाएंगे। तो ये काफ़ी सिस्टम को एक जटिलता जो है उससे बाहर निकालता है और सिस्टम में पारदर्शिता और सरलता लाएगा। उसके बाद में जो अगली खबर है ये चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स के बारे में है, चाइनीज अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में है। तो हाल ही में दो एस्ट्रोनॉट्स ने, दो अंतरिक्ष यात्रियों ने यहाँ पे फर्स्ट स्पेस वॉक करी आउटसाइड चाइनास न्यू ऑर्बिटल स्टेशन। तो चाइना का जो न्यू ऑर्बिटल स्टेशन है उसके बाहर यहाँ पर स्पेस वॉक दो चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा की गई। तो इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो न्यू ऑर्बिटल स्टेशन बनाया गया है उसके बाहर कैमरे और इक्विपमेंट लगाया जाए यूजिंग रोबोटिक आर्म्स। तो यहाँ पर ल्यू बॉमिंग और तैंग होंगबो ये दो एस्ट्रोनॉट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर स्पेस वॉक की है। क्या नाम है इस स्पेस स्टेशन का वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है, त्यांग गोंग स्पेस स्टेशन इसका नाम है। तो यहाँ पर 2008 के बाद में ये पहली दफ़े था कि यहाँ पर स्पेस वॉक चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स द्वारा की गई। यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि स्पेस वॉक होता क्या है। जब भी कोई एस्ट्रोनॉट जो है वो यहाँ पर व्हीकल से अपने बाहर निकल के, जो उनका स्पेसशिप रहता है उससे बाहर निकल के आते हैं और कोई भी कार्य करते हैं, तो उसे स्पेस वॉक के रूप में परिभाषित किया जाता है। स्पेस वॉक को EVA भी कहा जाता है, EVA अर्थात एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी।
अगली खबर जो है ये उड़ीसा के बारे में है। उड़ीसा में बहुत अच्छा ही कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यहाँ पे 10,000 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, मतलब जो हमारा वर्षा ऋतु का जल होता है, वर्षा जल होता है, उसका संचयन के लिए 10,000 स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। ये 10,000 स्ट्रक्चर जो है स्टेट में 45 डेज में कंप्लीट किए, 75 डेज में, 75 डेज में, दिनों में कंप्लीट किए गए हैं। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है उनके द्वारा यह काम किया गया। 15 अप्रैल को ये लॉन्च हुआ था। काफ़ी कम समय में इन्होंने बहुत बड़ा टारगेट अचीव किया है। थीम जो था उसका वो था कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स, मतलब जैसे ही वर्षा ऋतु का जल हो उसे संचयन किया जाए, वो जहाँ पे भी गिरे और वो जितना भी यहाँ पर गिरे, जहाँ पर भी और जैसे भी गिरे उसे संचयन करना है। तो 114 जो अर्बन लोकल बॉडीज थी वहाँ पर इसका संचयन किया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये इनिशिएटिव है मुक्ता स्कीम के अंतर्गत किया गया। मुक्ता स्कीम जो एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उड़ीसा की, उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम चलाया गया। तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो है वो यही समाप्त होता है, आज की चर्चा यही समाप्त होती है। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड टू लॉस।